सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी बच चुके हैं सुबह के 12 और रात भर शिफ्ट करके मैं सोया था और रूपा भी सोई थी। उसके बाद अभी हम उठ गए हैं क्योंकि आज संडे है, आज जल्दी उठ गए थे और साथ में ही हमने रात अपना जो डिश वॉशर है पहली बार यूज किया था तो रिजल्ट काफी अच्छा रहा। बिना नमक डाले उसमें काफी अच्छी वॉशिंग हुई है, जबकि अभी तक हमने उसमें नमक नहीं डाला है। और अभी मैं दिखा देता हूँ उसका रिजल्ट कैसा रहा, बर्तन बहुत अच्छे धुल रहे हैं। तो ये रहा हमारा डिश वॉशर और ये पता नहीं क्यों अर्थिंग मार रहा है, मे बी इसका अर्थिंग नहीं हुआ इसलिए अर्थिंग लग रही है इसमें, तो मैं इसलिए चप्पल पहन के यूज कर रहा हूँ। बाकी ये जो बर्तन धुले हैं इसमें काफी कमाल के धुले हैं। और बाकी अभी डिश वॉशर वाला जो वॉश का जो सर्विस सेंटर वाला होता है वो आएगा यहाँ पे और वो पूरी प्रॉपरली हमको एक गाइड बता के जाएगा कि कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है। बाकी आप कमेंट करके बताना ये लेना ठीक रहा या नहीं रहा। और इस सब के अलावा आज हमारा संडे है तो आज हमारा ऑफ रहता है, तो हमने सोचा है कि अभी थोड़ा शाम को बाहर जाएंगे, पिज्जा इज्जा खाएंगे। हमारे हल्द्वानी में एक नया पिज्जा वाला है जो कि बहुत ही सस्ते दामों में बहुत तगड़ा पिज्जा देता है यार, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में तुम कोई सा भी पिज्जा खा लो यार। बाहर जाओगे तो 150-200 का मिलेगा, लेकिन हम 49 में आज खा के आएंगे और घर पर लेकर भी आएंगे। तो अभी नहा के धो के हम जाते हैं बाहर 3-4 बजे के टाइम पे, और फिलहाल अभी हमारे घर में दोपहर का खाना बन रहा है और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ। बाकी ये बच्चों की रैली देखो, मेरे घर में कितने सारे बच्चे आए हैं आज। हाँ कहाँ जा रहे हो, कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी मस्ती में मस्त है। बाकी चलो फिर हम नहाते धोते हैं। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, इसमें जो है ना इसका जो अलग से नमक और निरमा आ रहा है वो 1400 रुपये का हमने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया, क्योंकि हमारे शहर में दुकानों पे वो नहीं मिल रहा था। और वो 1400 रुपये का तो ठीक है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, मे बी 2-3 महीने चल जाएगा। बाकी जो इसके साथ ये फ्री आया है पता नहीं क्या है ये फिनिश जो भी है, तो वो जब आ जाएगा मैं वो डाल तो भी दिखाऊंगा कैसा यूज़ कर रहा है। क्योंकि और कल तो हमने सिर्फ इसमें भाई सिर्फ पानी और थोड़ा सा निरमा डाल के यूज़ करा है, तब भी अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। बाकी उसके बाद दिखाऊंगा मैं, बाकी ऐसे कुछ अंदर से इसका सीन है। देखो मेरे घर में ना यार हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो पहली बार हमारे घर में डिश वॉशर आया तो लोग तो कह रहे थे क्या होता है क्यों मंगाया, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, हाथ से बर्तन ही धोए जा रहे हैं। हमने कहा चलो कोई नहीं यार, अब कुछ ना कुछ एक स्टेप अलग लेना ही चाहिए कभी ना कभी। हमने एक अपने एक जो हमारा पुराना किचन था उसको हमने रेनोवेट करा के ऐसे करके हमने एक नया कवर्ड भी लगाया था, और प्लस अब हम सोच रहे हैं कि दूसरा रेफ्रिजरेटर भी ले लें, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 14 साल हो गया है यार। 14 साल में मतलब फिर भी अच्छा काम कर रहा है, ऐसा तो बुरा काम हो नहीं रहा है, पर वो पहले वाली बात नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि अब एक फ्रिज भी लेंगे। तो गाइस अभी 12 से ऊपर हो चुका है और अब मैं छत में आ रहा हूँ, छत में काफ़ी अच्छी धूप है और छत में सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। कैसी आ रही है, बढ़िया आ रही है धूप? खाना दिखाना भी होता है, ये देखो सुबह सुबह पराठे और क्या है ये गोभी मिक्स वेज सब्जी। राधे इधर आओ, चलो जाओ खाना खाओ, जाओ ऊपर जाओ, जाओ छत में जाओ, करो फिर करो मोए मोए। तो गाइस फाइनली हम तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज संडे था पहले ही मैंने बताया था। तो मैंने सोचा आनिया सो रही थी, सो जाएगी तो हम चुपचाप घूमाएंगे, लेकिन आनिया उठ चुकी है। आनिया तो यार फाइनली हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, अब मिलते हैं सीधा मार्केट में। तो सबसे पहले हमें आने के लिए लेनी थी एक जैकेट, तो हमने दुकान पर जाकर ये वाली जैकेट देखी जो कि आने को बहुत पसंद आ रही थी और हमने आने के लिए ट्राई भी करवाई। इसका जो रेट था वो 1100 रुपये था, लेकिन थोड़ा बहुत मोल भाव करके हमको ये मिल गई 700 रुपये में। तो यार गाइस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, पता नहीं क्यों, मे बी आज संडे इसीलिए। तो हमने ले लिया था एक शॉर्टकट यहाँ से, और शॉर्टकट में भी काफ़ी ज़्यादा जाम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, वो भी बहुत ही कम रेटों में पिज़्ज़ा जो कि हमारे एरिया में मिलता है। तो हम आ गए हैं ये रानी पिज़्ज़ा वाले के वहाँ,
तो हमने सबसे पहले अपने लिए लगाया पनीर वाला पिज़्ज़ा और साथ में एक मंचूरियन का बाउल। तो जब तक ये लोग मंचूरियन खा रहे थे हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो रहा था और थोड़ी देर बाद हमारा पिज़्ज़ा भी आ जाता है। आन्या कह रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, लेकिन पहले मैंने खुद पिज़्ज़ा खाया फिर आन्या को खिलाया। उसके बाद हमने 3 पिज़्ज़ा पैक कराए और जिसका रेट हमको थोड़ा 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा पर पीस। उसके बाद हम चल दिए घर को। और फिर घर जाते जाते हमें याद आया कि मार्केट से भी कुछ सामान लेना है, रूपा को भी कुछ अपना सामान लेना था। रूपा अपना सामान लेने मार्केट में दुकान में गई थी और साथ ही साथ फिर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गया। मैंने वहाँ से एक हीटर खरीदा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है घर में, मैंने सोचा काम आएगा। और फिर जब मैं इसे घर लेकर आया तो घर में किसी को भी ये पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा थी और आँखों में इसका ग्लॉसीनेस था वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो भाई पिज़्ज़ा इज़्ज़ा खा के फिर उसके बाद खाना ना खा के अब मैं करने बैठ गया हूँ रेस्ट। थोड़ा खेलता हूँ अब गेम फ्री फायर और फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।